नमस्कार, मैं सोनू कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट 24। इस वक्त हम मौजूद हैं सेवरई नगर पंचायत में, जहां से लगातार जो देखा जा रहा है भावी प्रत्याशी हैं मोहम्मद मिकाइल जी, जिनके द्वारा जो है लोगों से जनसंपर्क किया जा रहा है। तो आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस एजेंडे के साथ जो है इस बार वो चुनाव लड़ेंगे और लोगों से जो है क्या फीडबैक मिल पा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है नगर पंचायत से भावी प्रत्याशी मोहम्मद मिकाइल जी। तो आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस एजेंडे के साथ जो है इस बार वो चुनाव लड़ेंगे और क्या उनका एजेंडा रहेगा। न्यूज पॉइंट 24 में आपका स्वागत है। चाहेंगे कि हम अपना दर्शकों से हमारा जो है परिचय बताएं। मैं मोहम्मद मिकाइल समेत, मैं लगातार समाजवादी पार्टी से जनसंपर्क कर रहा हूँ। मैंने 2022 में अभी विधानसभा के चुनाव में लगातार अपने पार्टी के प्रत्याशी रविंद्रनाथ गुप्ता जी के लिए संपर्क किया। फिर अभी MLC चुनाव में डॉक्टर कपिल खान साहब के लिए भी मैंने जनसंपर्क किया लगा रहा। मैं लगातार समाजवादी पार्टी से जनता से संपर्क कर रहा हूँ। बाकी आगे जो पार्टी का निर्देश होगा उसमें चला जाएगा, देखा जाएगा। समाजवादी पार्टी से आप टिकट मांग रहे हैं जी? अगर टिकट नहीं मिलता है तो क्या चुनाव नहीं लड़ेंगे? कि नहीं, चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी का जो आदेश होगा, जिसको टिकट दे जाएगा उसके साथ चल के, कदम से कदम साथ चल के और उसके सहयोग करेंगे और जिताने का काम करेंगे। किस एजेंडे के साथ जो है चुनाव मैदान में? मैं पंचायत चेयरमैन में लगातार, हमारे पार्टी से 10 साल चेयरमैन रहे हैं, लेकिन उस समय उतने बजट नहीं हुआ करते थे और उसके बाद से लगता 10 साल चेयरमैन रहे श्याम सुंदर विश्वकर्मा जी ने। लेकिन 10 साल के कार्यकाल में जो भी फंडे आए हैं नगर पंचायत में समाजवादी पार्टी से, इतने लंबे बजट आने के बावजूद भी कुछ कार्य नहीं किए हैं। जैसे बारिश आता है तो पूरा नगर जलमग्न से भर जाता है, कोई व्यवस्था नहीं है बारिश के पानी के कहाँ निकासी करें। जैसे होता क्या है, एक जगह है पुरानी बाजार में, उसको बोलते हैं डबरा। डबरा में लगभग 50 किसान हैं जिनकी आज भी खेत उनको नहीं पता है कहाँ है। ठीक, सबसे पहला मेरा काम होगा कि उसको पानी का जल निकासी का व्यवस्था करें, जिससे उनकी समस्या दूर हो, उनको खेत मिले तो अपने किसानी कर सकें। वर्तमान में नगर पंचायत में क्या किस चीज़ की कमी दिख रही है? वर्तमान में कमी हमारी ये दिख रही है, होता क्या है, जब जब फैक्ट्री चलता है तो नगर पंचायत के जितने व्यापारी हैं सारे व्यापारी परेशान हो जाते हैं। वजह क्या होता है कि फैक्ट्री की टालियाँ ट्रैक्टर पूरी रोड जाम कर देते हैं, जिससे किसानों को व्यापारियों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी आए दिन व्यापार में भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है हर साल प्रतिवर्ष। क्या वजह है कि विकास से कोसों दूर है नगर पंचायत से? वजह क्या है कि नगर पंचायत चेयरमैन का कोई कार्य न करना, कोई डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं देना, और अब तक कोई भी चेयरमैन हुआ है इस पर ध्यान ही नहीं दिया है कि फैक्ट्री की व्यवस्था बाहर से चालू करें। चूंकि रास्ता है भी तब भी उन्होंने नहीं कर पाते हैं, तो सबसे पहले मेरा काम होगा कि उस पर मैं कार्य करूँ। जनता ने विश्वास करके 10 साल दिया समय उनको, उसके बावजूद भी अभी देखा जा रहा है जो नालियों की जो स्थिति नाली है, फिर से मान लीजिए गन्ने का जो है ट्रैक्टर टालियाँ हैं, जिससे आए दिन दिक्कतें होती रहती हैं। जैसे मान लीजिए इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है कि एक मदेशिया जितने बार पुलिस चौकी चौराहे पे ट्रैक्टर से दबकर उनका बच्चा एक्सपायर कर गया, यही वजह है कि आए दिन नगर पंचायत व्यापारियों को सामना कर दिक्कत करना पड़ता है उसे। आप लगातार देखा जा रहा है जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या लोगों की फीडबैक मिल पा रही है? लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा है, उनका कहना है कि आप टिकट लेके आए, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर हम लोग चलेंगे, आ जाए तो उनकी बीमारी का इलाज हो सके। मैं चुनाव हारूं या जीतूं, सबसे पहले उनके लिए मैं प्राइवेट हॉस्पिटल अपने से बनवाऊंगा। हाँ, चुनाव या रहे या न रहे उसका कार्य मैं करूँगा। युवाओं के लिए क्या कहेंगे? युवाओं के लिए जैसे होता क्या है, हमारे टाउन एरिया में नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा इतने कार्य होते हैं जो बाहरी ठेकेदारों को बुलाया कराया जाता है, तो मैं मेरे साथ जितने युवा भी हैं उनको मैं अपने टाउन एरिया में कार्य देने का काम करूँगा, जिससे कोई यहाँ बाहरी एंट्री ना हो। जैसे हमारे नगर के युवा कार्य करें उनको मैं उसमें रोजगार देने का काम करूँगा। युवाओं के अंदर जो प्रतिभाएं हैं वो यहाँ नगर पंचायत में कोई बढ़िया स्टेडियम ना होने की वजह से जो है प्रदेश या देश स्तर पर जो है, जैसे युवाओं के लिए स्टेडियम के लिए यहाँ एक भी फील्ड ऐसा नहीं है, एक फील्ड लिखा सुगर फैक्ट्री का, तो यहाँ पे जनप्रतिनिधियों को ध्यान देने को ऐसे बंद कर दिया गया, सबसे पहले काम करूँ उसको चालू करने का। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि तमाम देखा गया है कि जो सामाजिक क्षेत्र में जो है आपके काफ़ी योगदान रहा है, क्या कहेंगे? मैंने कोरोना काल में लगभग 800-900 परिवारों को, यानी गरीब परिवारों को ढूंढ के हम लोगों ने राशन बांटने का काम किया,
जैसे राशन की हर चीज़ सुविधा उपलब्ध कराया, जो दूर दूर कोई जरूरत नहीं नगर के ही लोग थे, नगर के आसपास गांव को भी मैंने दिया, हर चीज़ से मदद करने का काम किया। जैसे बाहर से जो आते थे, जो किसान गाड़ी से बस से आते थे, तो वहाँ पे हम झरे पे जो डिग्री कॉलेज है, मैंने वहाँ पे अपना लंगर चलाया महीनों दिन, जिसका हम लोग प्रचार नहीं किया, हमने अपने गुप्त रूप से अपना काम किया, जिससे किसी को पता ना चले। दान करने का मतलब होता है गुप्त दान, इसलिए हम लोगों ने अपने तरीके से किया। गरीबों को राशन हर चीज़ से मैंने उपलब्ध कराया, जैसी जिसकी ज़रूरत उस हिसाब से हम लोगों ने काम किया। उस कोरोना काल में शायद ही ऐसा कोई परिवार हो जो मतलब देखा जा रहा था निकल नहीं रहे थे, लेकिन आपके द्वारा जो है लगातार उन गरीब परिवारों में जो है सामग्री पहुंचाया गया, तो क्या लग रहा है कि इस चुनाव में जो है उसका रिजल्ट कुछ उसका रिजल्ट आएगा? बाकी ऊपर वाले की मर्जी, जैसा जो रिजल्ट आएगा वो उसका मान किया जाएगा। व्यवसायियों के लिए क्या मतलब आपके द्वारा? व्यवसायियों के लिए होगा कि हमारे नगर के व्यवसाय की बढ़ोतरी हो, जैसे बाईपास हम रोड दे दें, अच्छे से अच्छी रोड दे दें, क्योंकि आसपास के गांव के लोगों की ज़्यादातर हमारे मार्केट में झुकाव हो, जिससे हमारा व्यापार बढ़े। है क्या, चारों तरफ मार्केट के आसपास जितने रोडें हैं टूटी फूटी हैं, जिससे गांव के लोग नहीं आ पाते हैं, सुचारू तरह उनको सवारी नहीं मिल पाती है कि उससे नहीं आ पाते हैं, तो इसलिए होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी व्यवस्था की जाए कि मार्केट में लोग झुकाव ज़्यादा पड़े, इसलिए व्यापारियों का मार्केट में अच्छा दुकान उनकी चले, जिससे उनका व्यापार बढ़े। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मांग करेंगे? मैं आपके चैनल से मांग करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बातों को लोगों के पास पहुँचाने का काम करें, जिससे लोगों के पास ये मैसेज पहुँचे कि मैं चुनाव जीत लूँ या हारूँ, मैं ये कार्य हमेशा समाज सेवा के लिए मैं हमेशा लड़ता रहूँगा, कार्य समाज सेवी करता रहूँगा, और आगे जनता का जो चुनाव होगा उसके लिए। आप देख रहे थे इस वक्त हमारे साथ जो है मोहम्मद मिकाइल अंसारी जी, जो हमारे साथ बातचीत किए, उन्होंने कहा कि समाज के लोगों के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहें और आगे भी रहेंगे। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ पॉइंट 24। मैं सोनू कुमार गुप्ता, कुशीनगर से।